बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट यह है कि सऊदी अरेबिया से भाई 370 रेड लेबल की बोतलें पकड़ी गई हैं। ये वारदात कहां पर हो रही थी, यानी कि स्मगलिंग का निजाम कहां पर चलाया जा रहा था, ये तमाम तफसील आपको इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ। तमाम मेरे खारजी भाई यहाँ पर पहले ये सुन लें, खासकर पाकिस्तानी हजरात। जब हम पाकिस्तान से आते हैं तो हमें भाई या तो एजेंसी वाले या हमारे पासपोर्ट के ऊपर बकायदा एक रैपर लगा दिया जाता है, जिसके ऊपर लिखा होता है सऊदी अरेबिया में कोई भी किसी किस्म की मनशियात स्मगलिंग करने के जुर्म में आपको सजाए मौत होगी। कोई 5-10 साल की कैद नहीं लिखी जाती है जी, सजाए मौत लिखी जाती है। ये अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि स्मगलिंग को लेकर सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा सख्ती है जी। दमाम एयरपोर्ट से, दमाम किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट से 370 रेड लेबल की बोतलें स्मगल की जा रही थी, जो कि पकड़ी गई हैं। मैं एक दफा पाकिस्तान के लिए सफर कर रहा था, तो मेरा भाई वहां पर स्टे था अबू धाबी में 3 घंटे का, तो वहां पर मैंने शॉप देखी थी इसकी, ब्लैक लेबल। उसके मुताबिक मैं आपको यहाँ पर कोई पिक्चर या वीडियो दिखा भी रखा हूँ, जहां पर लिखा हुआ था ब्लैक लेबल 2 by 1 free, यानी कि 2 के साथ 1 free गार्बन लिखा हुआ था। $100 में गार्बन मिल रही थी, 2 और 1 साथ में free मिल रही थी। अच्छा, उनके साथ एक छोटी मिल रही थी जो कि एक पैक होगा बस, तो वो 25 या 27 रियाल की मिल रही थी, 22 दरहम की थी। कुछ हजरात मैंने देखे भी थे उसे वहां पर लेकर भाई पी रखे हैं, वो एक पैक होगा बस, बिल्कुल छोटी थी। वहां पर तो भाई अलाउड है, वहां पर आप लीगल तरीके से इनको पी सकते हैं, खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, वहां से पाकिस्तान या किसी और कंट्री में ले जाने के लिए ममनू है। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं इस न्यूज के मुतल्लिक। दमाम एयरपोर्ट का मैंने विजिट किया हुआ है, मैं दमाम एयरपोर्ट पर 3 घंटे या 5 घंटे गालबन स्टे में रहा भी हूँ, बिल्कुल छोटा सा, और भाई ज्यादा रश भी नहीं होता है उस एयरपोर्ट पर। वहां से ये स्मगलिंग की जा रही थी 370 बोतलें रेड लेबल की, किसी और कंट्री के लिए या किसी और सिटी में सऊदी अरेबिया के। तो वहां पर ये पकड़ी गई हैं। बताया ये जा रहा है कि ये लोहे की कुछ चीजों में लपेट कर, जैसे कि लोहे की कुछ चीजें ऐसी बनाई गई थी जो किसी सामान के तौर पर कारामद आती हैं, तो वहां पर उनके अंदर से ये पकड़ी गई हैं 370 बोतलें। 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अभी भाई सऊदी अरेबिया के कानून के मुताबिक हो सकता है इनको सजाए मौत ही दे दी जाए, लेकिन अभी इसके मुतल्लिक कोई डिटेल नहीं बताई गई है सजा को लेकर। लेकिन 370 रेड लेबल की बोतलें सऊदी अरेबिया दमाम एयरपोर्ट से पकड़ी जा चुकी हैं। ये एक लेटेस्ट न्यूज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। किसी और न्यूज के मुतल्लिक जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।